सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने देख लिया था कि अल्कोहल का यूज़ करके अपन अल्काइल कैसे बना सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ HCl. HCl का यूज़ करके अपन ने देख लिया था, ठीक है, लुकास रिएजेंट अपन ने देख लिया था. अब मैंने तब भी बोला था कि इसका जो मैकेनिज्म है सिमिलरली अप्लाई होगा किसके साथ, HBr के साथ भी अप्लाई होगा और सिमिलरली HI के साथ भी अप्लाई होगा, ठीक है. अब ये चीज़ को एक्चुअली प्रिपेयर कैसे करना है ये अपन को भी देखना है, क्योंकि जो HBr होता है ये भी ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है. HBr को भी अपन इन सीतू बनाते हैं लेबोरेटरी में. इन सीतू, इन सीतू का मतलब क्या होता है, इन सीतू का सिंपल सा मतलब होता है कि अपन इसको ऑन द स्पॉट, इन सीतू का मतलब होता है ऑन स्पॉट अपन इसको लेबोरेटरी में बनाते हैं और इसको यूज़ करते हैं, ठीक है. ये दोनों को ही, HBr को भी और HI को भी. तो अब इसको बनाते कैसे हैं, पहले इसका प्रिपरेशन अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है. तो चलो पहले अपन स्टार्ट करते हैं HBr से. तो HBr को कैसे प्रिपेयर करते हैं, HBr को प्रिपेयर करते हैं NaBr, NaBr सोडियम ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं H2SO4 के साथ. सोडियम ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं H2SO4 के साथ. तो जब NaBr प्लस H2SO4 का मिक्सचर अपन लेते हैं तो क्या बनता है प्रोडक्ट में, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे प्रोडक्ट में बनता है HBr प्लस Na2SO4 एंड HBr प्लस Na2SO4. रिएक्शन को बैलेंस करना है तो इधर टू लगा दो, इधर टू लगा दो, रिएक्शन विल बी बैलेंस्ड. तो ये बन गया HBr. और अब जो HBr बना है ये HBr को अपन यूज़ करते हैं अल्कोहल के साथ. तो देखो कैसे यूज होगा अल्कोहल के साथ, तो आप एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, CH3CH3OH. अब इसका यूज़ करना है अपने को, ये है मिथेनॉल. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मिथेनॉल को कन्वर्ट करो किसमें, मिथेनॉल को कन्वर्ट करो मिथाइल क्लोराइड में, किसमें, या फिर मिथाइल ब्रोमाइड. क्लोराइड नहीं बोल सकता क्योंकि क्लोराइड होता तो यहाँ पे HCl आना चाहिए था, बट फिलहाल अपन HBr का स्टडी कर रहे हैं तो ब्रोमाइड की बात करते हैं, ठीक है. तो क्वेश्चन ऐसा है, कन्वर्ट मिथाइल अल्कोहल इंटू मिथाइल ब्रोमाइड. तो तुम्हारे माइंड में आना चाहिए मिथाइल अल्कोहल मतलब CH3OH और ब्रोमाइड मतलब वहाँ पे Br आना चाहिए. तो Br कहाँ से आएगा, Br आएगा बाय द यूज ऑफ HBr. तो जब मैं यहाँ पे कैटलिस्ट में क्या यूज करूंगा, ये यूज करूंगा NaBr, NaBr प्लस H2SO4 प्लस H2SO4. ओके, तो क्या बनेगा, वो HBr बनेगा और वो HBr CH3OH के साथ रिएक्ट करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करेगा CH3Br, CH3Br प्लस H2O, ठीक है. रिएक्टेंट के नीचे यहाँ पे आएगा मिथेनॉल, यहाँ पे आएगा मिथाइल ब्रोमाइड या तो ब्रोमोमिथेन, या तो ब्रोमोमिथेन. मैं तो बोलता हूँ IUPAC ही लिखो, तो ये हो जाएगा मिथेनॉल और ये हो जाएगा ब्रोमोमिथेन, क्लियर. तो इतना सा लिखोगे तो तुमको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं जहाँ पे मार्क्स कट हो, ठीक है. और बाकी के जो एग्जाम्पल्स थे वो मैंने तुमको कल ही बता दी कि कैसे कैसे टाइप के एग्जाम्पल आ सकते हैं, जैसे रीअरेंजमेंट वाला केस आ सकता है. ये वाला केस मैंने कल भी डिस्कस किया था, आज फिर डिस्कस कर लेता हूँ. अगर ऐसा आ गया CH3CH2CH2OH, अगर ऐसा आ ही गया, ठीक है, और तुम लोग को इसका रिएक्शन करने बोला है किसके साथ, NaBr प्लस H2SO4 मतलब ही HBr, मतलब ही इन शॉर्ट HBr के साथ इसका रिएक्शन करने बोला है, ठीक है. तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, सबसे पहले तो अब मैं मैकेनिज्म डिस्कस कर लेता हूँ. मैकेनिज्म में क्या होता है, शॉर्टकट में HBr का H प्लस आएगा, OH के साथ यहाँ पे लगेगा, इसको H2 बाहर बाहर निकलेगा, यहाँ पे बनेगा कार्बोकैटायन. अब ये जो कार्बोकैटायन बनेगा वो 1 डिग्री का बनेगा, इससे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे दिख रहा है 2 डिग्री, तो यहाँ पे होगा हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट होगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा स्टेबल कार्बोकैटायन 2 डिग्री वाला CH+, और यहाँ पे आ जाएगा CH3. और ये जो कार्बोकैटायन बना प्लस, इसके ऊपर आके ब्रोमीन अटैक करेगा तो स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा, दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट. तो ऐसा केस मैंने कल भी लिया था और आज भी डिस्कस कर लिया. इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा प्रोपेन वन ऑल, और इसका नाम क्या होगा, 2-ब्रोमो प्रोपेन, क्लियर. एकदम सिंपल सी बात थी, इसमें कुछ भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है. ये चीज़ मैंने तुमको कल भी बताई थी, आज फिर से बता दी कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक है, कि कार्बोकैटायन का शिफ्टिंग कैसे करना है, क्या करना है. जो एग्जाम्पल HCl के साथ हुआ था सेम एग्जाम्पल HBr के साथ भी एप्लीकेबल है, क्योंकि दोनों का मैकेनिज्म सेम है. तो क्लियर हो गया HBr वाला बात. अब अपन बात करते हैं किसके साथ, HI के साथ. तो जो मैंने तुमको अब भी बोला कि जो HI भी है वो HBr के जैसे ही है, वो भी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, उसको भी अपन इन सीतू ही प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी में ऑन द स्पॉट, ठीक है. तब इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है NaI, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड प्लस H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, सोडियम आयोडाइड प्लस H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, इसका रिएक्शन करता है सोडियम आयोडाइड के साथ. तो प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे HI प्लस Na3PO4 प्लस Na3PO4, ये बनता है इसका बाय प्रोडक्ट. इससे अपने कोई लेना देना नहीं है. अगर रिएक्शन को बैलेंस करना है तो 3 टाइम आ रहा है, तो ये 3 टाइम आएगा, ये भी 3 टाइम आएगा, ठीक है. ज़्यादा बैलेंसिंग के बीच मन दुआ को बस याद रखो, NaI को किसके साथ रिएक्ट करते हैं, H3PO4 के साथ रिएक्ट करते हैं. अब यहाँ पे एक एडिशनल क्वेश्चन ये बन सकता है तुम्हारा, कि जैसे अपन ने यहाँ पे NaBr लिया था, NaBr
प्लस H2SO4 लिया था, तो ये केस में H2SO4 क्यों नहीं यूज़ किया गया, ये केस में फॉस्फोरिक एसिड क्यों क्यों यूज़ किया? अगर H2SO4 यूज़ करते तो क्या यहाँ पे जो HI बन रही है नहीं बनता? तो इसका आंसर है, अगर तुम लोग इसके साथ भी NaI के साथ भी अगर तुम लोग H2SO4 यूज़ करते हो तो प्रॉब्लम क्या होगा, जो HI बनेगा ये HI को भी रिड्यूस कर देगा, ये जो HI बनेगा HI को भी ये कर देगा किसमें, डायरेक्टली आयोडीन में कर देगा, ये जो यहाँ पे HI बनेगा HI को भी ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट कर देगा I2 में, ठीक है। यहाँ पे आयोडीन का क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट -1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, तो -1 से 0 मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। आई थिंक मैंने पहले रिड्यूस बोला था, वो गलती से टंग स्लिप हो गई, ठीक है। तो रिड्यूस नहीं, वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। इसलिए कंसेप्ट के पीछे भागो, क्या करो कंसेप्ट को समझो कि यहाँ पे HI में आयोडीन का क्या है -1 और I2 का क्या है 0, -1 से 0 मतलब क्या हुआ इसका, इसका हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ही ऑक्सीडाइज, मतलब ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। तो अगर तुम लोग H2SO4 यूज करते हो तो वो जो HI बनेगा HI को भी ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में, इसके लिए H2SO4 को यूज नहीं करते, किसको यूज करते हैं, H3PO4 को ही यूज करते हैं NI के साथ, क्योंकि H3PO4 वीक है एज कम्पेयर टू H2SO4, क्लियर हुआ ये रीजन, ठीक है। चलो अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, अल्कोहल के साथ इसको कैसे यूज करते हैं, वही बात है। अगर मैं CH3CH2OH अगर मैं इथेनॉल लेता हूँ, ठीक है, अब समझो एग्जाम में तुम लोग को क्वेश्चन आया, रुको पहले डायरेक्ट क्वेश्चन से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आया कन्वर्ट कन्वर्ट इथेनॉल, कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इनटू किसमें कन्वर्ट करने बोला, इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड इसमें कन्वर्ट करने बोल दिया, तो तुम्हारे माइंड में पहले आना चाहिए कन्वर्ट इथेनॉल मतलब इथेनॉल क्या है, इथेनॉल इज द रिएक्टेंट, और किसमें कन्वर्ट करना है, इथाइल आयोडाइड मतलब प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में क्या है, इथाइल आयोडाइड, मतलब इसका आंसर कहाँ मिलेगा, प्रिपेरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में मिलेगा, क्योंकि ये तो अल्काइल हैलाइड का ही टाइप है इथाइल आयोडाइड, मतलब इसका आंसर कहाँ मिलेगा, प्रिपेरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। प्रिपेरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में अल्कोहल से कितने मेथड है अपने पास, टोटल 3 मेथड है अल्कोहल के, ठीक है। सबसे पहला है बाय द एक्शन ऑफ HX, और दूसरा है बाय फॉस्फोरस, और तीसरा है अपने पास बायोजिन थायोनिल क्लोराइड। तो अभी अपन बात कर रहे हैं HI की, तो अपन लेते हैं इथेनॉल प्लस HI, तो इथेनॉल मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3CH2OH, दिस इज द इथेनॉल। अब यहाँ पे तुम लोग HI की बात कर रहे हो HI वाले एग्जांपल की, तो यहाँ पे एरो पे क्या आ जाएगा, NaI सोडियम आयोडाइड का रिएक्शन किसके साथ करवाना है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड के साथ करवाना है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कब करवाना है, जब तुम लोग NaBr यूज कर रहे हो, जब HBr यूज कर रहे हो तब H2SO4, और जब NaI मतलब HI यूज करने वाले हो तो H3PO4, ठीक है। तो जब इसका रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2I प्लस H2O एज अ बाय प्रोडक्ट, क्लियर है। इसके नीचे इसका नाम इथेनॉल, इसके नीचे आयोडो इथेन है, तो इथाइल आयोडाइड एक ही बात है, क्लियर हो गया, इतना सिंपल सा एग्जांपल था। अब इसमें भी रीअरेंजमेंट होगा, जैसा मैंने तुमको HCl के केस में बताया था, HBr के केस में बताया था, सिमिलरली इसमें भी रीअरेंजमेंट होगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो तुमको नोट डाउन करनी है वो क्या नोट डाउन करनी है, कि रीअरेंजमेंट हो सकता है, किसका हो सकता है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन टेक्स प्लेस, क्योंकि इसका जो इंटरमीडिएट बनता है वो कौन बनता है, कार्बोकटायन, तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन टेक्स प्लेस, ये चीज तुमको पता होनी चाहिए जब तुम लोग HCl, HBr या तो HA वाले एग्जांपल सॉल्व कर रहे हो। तो अभी ये केस में तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 1 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा और इससे ज्यादा स्टेबिलिटी इसमें आ नहीं सकता, तो ये केस में जहाँ पे OH था वहीं पे I आएगा, लेकिन सारे केस में ऐसा नहीं होगा। अगर कोई ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बन रहा है तो वो केस में जहाँ पे OH था वहाँ पे निकलेगा, कार्बोकटायन बनेगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा या तो मिथाइल शिफ्ट होगा, जो भी कंडीशन दिया है उसके बाद वहाँ पे स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा और फिर उस पर अटैक करेगा तुम्हारा न्यूक्लियोफाइट, क्लियर है। ओके चलो अब बात करते हैं सेकेंड वाला मेथड, बाय यूजिंग अल्कोहल, कौन सा था, एक्शन ऑफ फॉस्फरस हैलाइड्स, कौन सा था, एक्शन ऑफ फॉस्फरस हैलाइड्स, ठीक है। चलो अब एक्शन ऑफ फॉस्फरस हैलाइड्स में पहले अपन बात करते हैं PCl3 से पहले, उसके भी पहले, इन शॉर्ट में तुमको PX3 का पता, तो अगर PX3 का तुमको पता चल गया तो X के जगह पे Cl भी रख सकते हो, X के जगह पे Br भी रख सकते हो, और X के जगह पे I भी रख सकते हो, क्लियर। तो मैं तुमको इन शॉर्ट डायरेक्टली PX3 का ही बताता हूँ, तो तुम लोग PCl5 भी कर सकते हो, PBr5 भी, सॉरी PCl3 भी कर सकते हो, PBr3 भी कर सकते हो, एंड Pi3 भी कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं PX3 के साथ। अब अल्कोहल, तो ये है तुम्हारा ROH, दिस इज अल्कोहल, क्लियर। अब PX3, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दिस इज द पी, अभी PX3 को मैं एक काम करता हूँ, पहले तुम लोग को नॉर्मल रिएक्शन बताता हूँ फिर इसका मैकेनिज्म बताता हूँ। तो ये हो जाएगा PX3। अब यहाँ पे यूज करना है तुमको 3 टाइम्स अल्कोहल, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट में यूज करना है वो यूज करना है रेड फॉस्फोरस,
रेड फॉस्फरस एंड एक्स टू, रेड फॉस्फरस एंड एक्स टू। एक्स टू का मतलब है अगर तुम लोग यहाँ पे क्लोरीन यूज कर रहे हो तो Cl2, ब्रोमीन तो Br2, आयोडीन तो I2, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट तुमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा 3 टाइम्स Rx, 3 टाइम्स Rx प्लस H3PO3, प्लस H3PO3 इज द बाय प्रोडक्ट, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड। अब ये एक्चुअली 3 टाइम लेना है, ये तुमको एग्जाम में याद नहीं रहता है, ये बड़ा प्रॉब्लम देता है। तो ये कैसे याद रखना है, क्या करना है, ये चीज़ मैं तुम लोग को भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से चेक करना। देखो यहाँ पे मैं नीचे इसका मैकेनिज्म ड्रॉ करके बताता हूँ कि इसका मैकेनिज्म एक्चुअली कैसा होगा और ये कैसा बनता है प्रोडक्ट, तुमको कैसे याद रखना है कि तुमको 3 बार अल्कोहल लेना है, ठीक है। चलो तो देखो, सबसे पहले तो ये आ जाएगा ROH, अल्कोहल। अब अल्कोहल का रिएक्शन करना है PX3 के साथ, तो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली ज्योमेट्री नहीं बना रहा हूँ PX3 का, बस इन शॉर्ट लिख रहा हूँ PX, PX एंड PX। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज नॉट द एक्चुअल ज्योमेट्री, यहाँ पे ज्योमेट्री की खास जरूरत नहीं है, इसको मैं ज्योमेट्री नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। और ये है इसका लोन पेयर। अब होता क्या है ना, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है तो तुमको अच्छे से पता है ये होता है पार्शियली नेगेटिव, ये होता है पार्शियली नेगेटिव, ये होता है पार्शियली नेगेटिव, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा फॉस्फोरस के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता होगा थोड़ा सा नॉर्मली, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है किस पर अटैक करेगा, फॉस्फोरस पर अटैक करेगा। अब जैसे ही फॉस्फोरस पर अटैक करेगा तो फॉस्फोरस की सारी वैलेंस तो फुलफिल है, तो जब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके जा रहे हैं फॉस्फोरस पे अटैक करना है, तो सिमिलरली वही टाइम पे साइमल्टेनियसली, सिमिलरली नहीं साइमल्टेनियसली, वही टाइम पे ये तीनों एक्स में से किसी एक्स को अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलना पड़ेगा, तभी ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। तो सपोज करना से ये वाला एक्स माइनस निकलेगा तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा, RO, इसके पास एच है, एक लोन पेयर है, एक प्लस चार्ज आएगा, क्यों, क्योंकि एक लोन पर ऑक्सीजन ने डोनेट किया फॉस्फोरस को, तो बॉन्ड किसके बीच बनेगा, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस। यहाँ पे बचे हैं अभी भी इसके पास 2 हेलोजन, ओके, और इसके पास बचा है एक लोन पेयर, क्लियर। और यहाँ से बाहर कौन निकला, यहाँ से बाहर निकला एक्स माइनस। अभी जो एक्स माइनस बाहर निकला है इसको मैं सपोज करूँ यहाँ शो करता हूँ, कहाँ शो करता हूँ, यहाँ एक्स माइनस। अब होगा क्या, ये जो प्लस है और जो माइनस है इसके आजू बाजू में घूमता रहेगा, एक्स माइनस एक्स प्लस, ये जो एक्स माइनस है प्लस के आजू बाजू में घूमता रहेगा। अब होगा क्या, यहाँ पे ये जो एक्स माइनस है, ये एक्स माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, ये एक्स माइनस अटैक करेगा ये अल्काइल ग्रुप पे, कहाँ पे अटैक करेगा, अल्काइल ग्रुप पे। जैसे ही अल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा साइमल्टेनियसली वही टाइम पे, ये एक्स माइनस जैसे ही आर पे अटैक करेगा सेम टाइम पे क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन अपने तरफ खींचेगा और बॉन्ड को तोड़ेगा, ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन अपने तरफ खींचेगा और बॉन्ड को तोड़ेगा। और ये चीज बड़े आसानी से होगा क्योंकि एक्स माइनस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है आर को, तो अल्काइल ग्रुप को साइमल्टेनियसली बॉन्ड भी बनाना है और साइमल्टेनियसली बॉन्ड तोड़ना है ऑक्सीजन के साथ और बॉन्ड बनाना है हैलाइड के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट में बन जाएगा RX और बाय प्रोडक्ट में एक चीज क्या निकल गया, यहाँ पे देख चेक करना अच्छे से, क्या निकला, यहाँ पे निकला है OH PX2, ये चीज यहाँ से बाहर निकला है, ऑक्सीजन के पास उसका लोन पेयर, फॉस्फोरस के पास इसका लोन पेयर, और यहाँ पे बना क्या, यहाँ पे RX बना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक बार RX बना, अभी भी फॉस्फोरस के पास कितने हेलोजन है, 2 हेलोजन है, तो जो चीज यहाँ पे एक बार हुआ सिमिलरली ये चीज रिपीट हो सकता है। देखो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, इतना लिख लेना, मैं भी रफ करने जा रहा हूँ इन चीज को, ठीक है। अब होगा क्या, अब सेकेंड स्टेप में चेक करना अच्छे से क्या होगा, ठीक है, याद रखना। फर्स्ट स्टेप में कौन बाहर निकला, फर्स्ट स्टेप में एक बार, वन टाइम तुम्हारा अल्काइल हाइड्रेट बन गया, ठीक है। अब ये जो इंटरमीडिएट बना है इसका रिएक्शन करवाना है तुमको किसके साथ, सेकेंड अल्कोहल के साथ, सेकेंड अल्कोहल का मॉलिक्यूल ROH। अब वापस से वही कहानी रिपीट होगी कि ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये चीज को मैं वापस से यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये है OH, ये है PX2, दिस इज PX2, ठीक है। अब होगा क्या, ये ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा फॉस्फोरस से, साइमल्टेनियसली ये दो में से कोई भी एक हेलोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा RO, एक एच ऑक्सीजन पे है, एक लोन पे, एक प्लस है, जिसका बॉन्ड बनेगा फॉस्फोरस से, फॉस्फोरस के पास एक OH ऑलरेडी है, ये वाला OH, और एक एक्स है, एक्स माइनस निकला, जो एक्स माइनस निकला वो यहाँ पे आएगा, ये अटैक करेगा अल्काइल पे, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने खींच लेगा, तो वापस से क्या बना, दूसरा हाइड्रो, दूसरा अल्काइल हाइड्रेट बना RX, और बाय प्रोडक्ट में क्या निकला, इस बार बाय प्रोडक्ट में निकला POH, कितनी बार है, एक बार ऑलरेडी था, दूसरी बार अभी इसको मिल गया, 2 OH, और यहाँ पे है X, इसके लोन पर अभी भी इसके पास है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकला, दूसरी बार अल्काइल हाइड्रेट बना, ठीक है। जो चीज दूसरी बार हुई सेम चीज कितनी बार हो सकती है, और एक बार हो सकती है, क्यों, क्योंकि P के पास अभी भी एक हेलोजन है,
तो चेक करो। अब मैं वापस से तीसरी चीज एक्सप्लेन करो, तो चेक करो यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल बाहर निकला, दूसरा मॉलिक्यूल बाहर निकला अल्काइल हैलाइड का, ठीक है। अब ये जो चीज बनी है ये चीज वापस से रिएक्ट करेगी किससे, अल्कोहल का तीसरा मॉलिक्यूल। पहले हम बात करते हैं दूसरा मॉलिक्यूल, अब ये आ गया अल्कोहल का थर्ड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो थर्ड मॉलिक्यूल का रिएक्शन किसके साथ होगा, पी, यहाँ पे एक एक्स बचा है, इसके पास है दो ओ एच, इसके पास है दो ओ एच, क्लियर। अब ये ऑक्सीजन वापस से अटैक करेगा फॉस्फोरस पे, साइमल्टेनियसली एक्स माइनस को बाहर निकालेगा, एक्स माइनस बाहर निकला तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आर ओ एच, ऑक्सीजन पे एक लोन पर एक प्लस चार्ज, ये बॉन्ड बनेगा फॉस्फोरस से, दो ओ एच इसके पास ऑलरेडी है, अभी भी है, नो प्रॉब्लम। और जो एक्स माइनस निकला वो आएगा यहाँ, एक्स माइनस अटैक करेगा अल्काइल पे, ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेगा ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, अभी बनेगा तीसरा मॉलिक्यूल आर एक्स का, प्लस बाहर को निकला पी के साथ है तीन ओ एच, ओ एच ओ एच एंड ओ एच। तो चेक करो, इसी को बोल सकता हूँ मैं एच थ्री पी ओ थ्री, ये रहा तीन एच, ये रहा एक पी और ये रहा तीन हो, तो ये हो गया एच थ्री पी ओ थ्री। समझ में आया, टोटल तीन बार आर एक्स कहाँ से आया, वो एक साथ नहीं बनते, एक एक करके आर एक्स बनते। और तीन अल्कोहल क्यों यूज किया, पहला अल्कोहल पहले एक्स को निकालने के लिए, दूसरा अल्कोहल दूसरे, तीसरा अल्कोहल तीसरे, इसके लिए टोटल यहाँ पे तीन अल्कोहल यूज हुआ, एक पी एक्स थ्री यूज हुआ। और प्रोडक्ट में कितनी बार तुमको अल्काइल हैलाइड मिला, तीन अल्कोहल तुम लोग ने रिएक्टेड में लिया, एक पी एक्स थ्री लिया, तो प्रोडक्ट में क्या मिला, थ्री टाइम्स आर एक्स मिला। क्लियर हो गया रिएक्शन, चेक करो, ये रिएक्शन अपन ने जस्ट यहाँ पे लिखा था, देखो तीन टाइम अल्कोहल लोगे, एक टाइम पी एक्स थ्री लोगे, तो क्या मिलेगा, थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ आर एक्स मिलेगा और एक बाय प्रोडक्ट में निकलेगा एच थ्री पी ओ थ्री। तो समझ में आया ये एक्चुअली रिएक्शन हुआ कैसे, इसका मैकेनिज्म कैसे वर्क किया। तो जैसा मैकेनिज्म मैंने पी एक्स थ्री का बताया, मैकेनिज्म पी एक्स थ्री, तो एक्स की जगह पे कौन कौन आ सकता है, एक्स की जगह पे आ सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन या तो आयोडीन, कोई भी आ जाए ये मैकेनिज्म सेम ही वर्क करेगा, अगर मैं पी सी एल थ्री ले रहा हूँ या तो पी सी एल, या तो पी बी आर थ्री ले रहा हूँ या तो पी आई थ्री ले रहा हूँ, तीनों ही केस में मैकेनिज्म क्या करेगा, सेम वर्क करेगा, क्लियर। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अब मुझे बताना यहाँ पे इंटरमीडिएट में कार्बोकटायन बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है यहाँ पे इंटरमीडिएट में कार्बोकटायन, मतलब अल्काइल के ऊपर कहीं भी तुमको प्लस चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसका मतलब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें तुम लोग कोई कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी क्या, नहीं चेक करनी पड़ेगी, डेफिनेटली नहीं चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकटायन बन ही नहीं रहा है, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बन ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो तुमको अल्काइल हैलाइड मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, वो मिलेंगे तुमको, अब देखो अभी मैं कट कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, वो तुमको एक्चुअली कैसे मिलेंगे, वो तुमको मिलेंगे यहाँ पे एक नोट करके लिखना कि नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, मतलब यहाँ पे जो पोजीशन पे अल्कोहल लेगा, जो पोजीशन पे अल्कोहल रहेगा वही पोजीशन पे कौन आना चाहिए, वही पोजीशन पे आना चाहिए एक्स, जैसे अपन ने एच आई एच सी एल एच बी आर के केस में अपन ने किया था कि रीअरेंज कर दिया था, जो पोजीशन पे ओएच वही पोजीशन पे एक्स है, ऐसा कोई जरूरी नहीं था, लेकिन ये वाले केस में पर्टिकुलरली फॉस्फोरस हैलाइड के केस में ये चीज जरूरी बन जाती है कि जो पोजिशन पे ओएच है वही पोजिशन पे कौन आए, हैलाइड आए, इसके यहाँ पे कोई भी टाइप का रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज याद रखना, ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज, ओके। तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट टाइम मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा कि पी एक्स के पी एक्स फाइव के साथ रिएक्शन कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, क्लियर। एंड प्लीज कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, डेफिनेटली जाओ वो लिंक को चेक करो एंड उसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ओके, थैंक यू।